हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और जैसा कि मैंने बताया अभी इसके पहले वाले ब्लॉग में कि अभी अभी मैं मनोज जी के यहाँ से तिलकुट लेकर के अपने घर वापस जा रहा हूँ। और मैंने आपको कहा था उस ब्लॉग में कि मकर संक्रांति से रिलेटेड एक कहानी है अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित डिस्ट्रिक्ट है और लोहित नदी के नाम पर वो डिस्ट्रिक्ट है, नाम है उसका। और उस नदी के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, तो वहाँ से रिलेटेड जो है एक कहानी है। भगवान परशुराम जी के बारे में आप जानते हैं, तो उनके पिता का नाम था जमदग्नि और वे भी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और किसी बात पर वो अपनी पत्नी से नाराज हो जाते हैं और अपने पुत्र परशुराम को आदेश देते हैं कि अपनी माता का सिर काट दें। परशुराम जी बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि क्या करें, यदि अपनी माता का सिर काटते हैं तो भी एक पाप लिखता है और पिता की आज्ञा नहीं मानना भी एक अपराधी है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने पिता की आज्ञा मानना उचित समझा और उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया। यद्यपि कहानी और भी है, मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा, मैं वो जो मकर संक्रांति से रिलेटेड जो कहानी है वो मैं जाऊंगा वहां पर। तो उस पाप की वजह से जो उनका फरसा है, वो फरसा जो है उनके हाथ में फंस जाता है और निकलता नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत भटकते हैं, बहुत सारे उपाय और करते हैं और इस तरह से भटकते भटकते वो अरुणाचल की पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं और वहां निराश और हताश होकर के उन पहाड़ियों पर बैठते हैं और क्रोधित होकर के वो जो है उस हाथ में जो फरसा जो फंसा हुआ था, उस फरसे को पहाड़ी की चोटी पर पटकते हैं, वार करते हैं और इससे जो है वहाँ उस चोटी से, उस पहाड़ से जो है एक गर्म झरने का स्रोत निकल पड़ता है और उस स्रोत से, उस पानी से उनका हाथ जो है धुलता है और फरसा हाथ से निकल जाता है, छूट जाता है, वो अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो ये कहानी है, वहाँ अभी भी वो स्रोत है, बहुत गर्म तो नहीं है, मैं वहाँ गया हूँ, लेकिन वो काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया पवित्र स्थल है और बड़ा ही मनोरम दृश्य है। और 14 जनवरी को एक बड़ा मेला लगता है, पूरे एक महीने, महीने भर वो मेला लगता है और सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी कई सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी जो हैं वहाँ लोग आते हैं और वहाँ जो जिनके माता पिता जिनकी मृत्यु हो जाती, जैसे गया में जो पितृपक्ष का मेला लगता है ना, उसी तरह से वहाँ वो लोग जाते हैं, पूजा करते हैं और उस गर्म झरने में स्नान करते हैं और जो पुराने कपड़े को वहाँ पर त्याग देते हैं और संभवतः ये जो है उनसे जो है पिंडदान एक तरह का होता है। तो वो वहाँ पर एक जो प्रक्रिया है, वही एक उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो फ्रेंड, एक बार फिर आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।